नमस्कार दोस्तों, अर्चना रेसिपी में आपका स्वागत है। आइए आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का ढोकला। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ढोकला बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। बेसन 2 कप छना हुआ, नमक स्वाद अनुसार, चीनी 1 चम्मच, अगर ज्यादा खाना चाहते हैं तो 1.5 या 2 चम्मच, करी पत्ता, हरी मिर्च 1 चम्मच, राई तड़का लगाने, 1 नींबू का रस बेसन में मिलाने के लिए, अदरक और मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच, रिफाइंड बेकिंग पाउडर, 1 कटोरी दही और 1 गिलास पानी। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन में 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच रिफाइंड और अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1 नींबू का रस डालकर इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ये सारी चीजें हमने बेसन में मिक्स कर ली है। अब हम मिलाने जा रहे हैं दही। दही जितना खट्टा होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें 1/2 कटोरी पानी मिलाएं। अभी इसमें पानी और थोड़ा जितनी जरूरत के हिसाब के अनुसार डालते जाइए। मुझे इसका बेटर ना ज्यादा पतला करना है ना ज्यादा गाढ़ा। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। और अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें पानी और अब इसका बेटर इस तरह का तैयार होगा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। इसके लिए अब 1/2 घंटा 30 या 35 मिनट ढक के रख देते हैं। ढोकला बनाएंगे, पिनो पाउडर जो है सबसे बाद में मिलाएंगे। अब हमने बेसन के मैटर को तैयार कर लिया है। अब इसे 30 या 40 मिनट के लिए ढककर अलग रख देते हैं। हमारा ये बेसन का मैटर तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे इनो। इनो डालने के बाद हल्का सा फेंट के 2 गिलास पानी कुकर में डालकर उबलने के लिए रख दिया है। हमारा पानी खोलने वाला है। इसमें स्टैंड रखकर अब इसमें किसी बर्तन में रिफाइंड ऑयल लगाकर अब इसमें मैटर को रखना है। अब हमारा 2 गिलास पानी जो कुकर में मैंने डाला था वो उबल चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें स्टैंड रखकर ये बर्तन इसमें रख देते हैं। अब मैंने सब अपना मैटर, बेसन वाला घोल का मैटर इसमें डाल दिया है। अब मुझे कुकर का ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर 30-35 मिनट तक इसे सिम पे पकाना है और इसकी सीटी निकाल देनी है। इसकी सीटी निकालना इसलिए जरूरी है कि ज़्यादा प्रेशर इसमें ना बने। इस वजह से मैंने इसकी सीटी निकाल दी है और करीब 30-35 मिनट के बाद स्लो गैस पे इसे हम होने देंगे। अब 30-35
35 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं हमारा डोसा तैयार हुआ या नहीं। इसमें हम चाकू की मदद से देखते हैं पका या नहीं। चाकू हमारा साफ निकला है, ढोकला हमारा पककर तैयार हो गया है। ढोकला हमारा पककर तैयार हो गया है, अब इसे 15-20 मिनट में ठंडा होने के बाद हम इसे काट लेंगे। अब हमारा ढोकला पककर तैयार हो गया है, अब इसे हम बर्तन में पलट देते हैं। अब इसके लिए अपने हिसाब से आकार में काट लेंगे। अब जो है ढोकले की स्लाइस तैयार हो गई है कटकर, अब मुझे उसके लिए फ्राई करना है। अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। अब मैंने फ्राई पैन गैस पर चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच तेल, कोई भी रिफाइंड हो आपके पास। अब मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है, रिफाइंड डाल दिया है। अब इसमें राई डालेंगे। जब राई इसमें अच्छी तरह चटक जाएगी तो इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसमें हरी मिर्ची डाल दी। अब इसमें करी पत्ता डाल दें। करी पत्ता डाल के मैंने तड़का तैयार कर दिया। अब इसमें 1/2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच चीनी डाल ली है, बस पानी। अब हमारा ये राई, मीठी नीम, करी पत्ता और हरी मिर्च की और हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इस सब्जी के लिए राइस को पिसाएंगे। हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है, अब इसके लिए मीठी चटनी या हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी लाइक और सब्सक्राइब करें। Open eyes, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.